तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह से लाइट ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके में, वो भी सिर्फ स्नैपसीड ऐप को यूज करके। लोग फोटो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो फोटो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, और आपको भी सीखना है कुछ इस तरह का सेम टू सेम फोटो एडिटिंग। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए बात के बिना आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस प्लस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, और जो आपका फोटो रहेगा सिंपल आपको उसमें क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो ऐड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपको पेंसिल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पेंसिल में आपको क्लिक कर देना है। अब इधर आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है HDR स्पेस का, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी आपको सिंपली इधर चार ऑप्शन इनको मिलेगा दोस्तों, आप देख ही सकते हो, एक नेचुरल है, और एक पीपल है दोस्तों, और एक फाइन, और एक स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इस आपको स्ट्रांग वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले का जो फिल्टर है दोस्तों इसे आपको रखना है, माइनस करना है, थोड़ा सा माइनस करके -43 कर देना है दोस्तों। उसके बाद इसके जो ब्राइटनेस है इसे आपको इंक्रीज करना है, इसे इंक्रीज करके +12 के आसपास रख देना दोस्तों। और इसका जो सैचुरेशन जो रहेगा, सैचुरेशन को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना, तो इसे इंक्रीज करके लगभग 55 के आसपास रख देना। देन आपके इधर एक ऑप्शन इनको मिलेगा नीचे राइट वाला, तो आपको क्या करना है, इस राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो अभी क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना, ऊपर आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना एडिट स्टॉक में, तो आपको एडिट स्टॉक में आपको क्लिक कर देना है। देन आपके इधर व्यू एडिट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अभी HDR स्पेस में क्लिक करके इस ब्रास्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली करना है, इस इनवर्ट में क्लिक करना है, तो नीचे एरा इनवर्ट का ऑप्शन दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस इनवर्ट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको इसे जीरो करना है, तो जीरो कैसे करना है, पहले तो 100 रहेगा ऐसे, उसके बाद आपको लेफ्ट में जो एक एरो दिख रहा है इसे आपको डाउन कर देना, एकदम जीरो हो जाएगा। उसके बाद फोटो को कुछ इस तरह से जूम करना है, और आपको स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से इरेज करना। आप लोग देख ही सकते हो स्किन का जो एक्चुअल कलर है वो आ रहा है, तो कुछ इस तरह से स्किन का जो कलर है उसे लेके आना है। तो मैं कुछ इस तरह से जल्दी जो अप्लाई कर लेता हूँ, देन आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों मैं अप्लाई कर ले, अभी आपको नीचे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना, और आपको इस एरो में क्लिक करके बैक कर देना है दोस्तों। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सिंपली इस पेंसिल में फिर से क्लिक करना है। अभी आपको सिंपली नीचे आ जाना है, आपके इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पोर्ट्रेट में आपको क्लिक कर देना है। इधर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, कॉम्बो 2 इस इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये रहा कॉम्बो 2, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। आप लोग देख ही पा रहे हो कॉम्बो 2, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। अभी आपके इसके जो फेस स्पॉटलाइट है आपको इसे क्या करना है, 40 पे रख देना है, कुछ इस तरह से माइनस करके 40 पे रख देना। अभी आपको कहना है सिंपल आ जाना है स्किन स्मूथनेस में, तो इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से इंक्रीज करना है, इसे इंक्रीज करके लगभग +73 पे रख देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल आई क्लियरिटी में आना है, इसका आपको इंक्रीज करना है, इसे आपको इंक्रीज करने के बाद आपको लगभग इसे 53 के आसपास रख देना है। नीचे आपको राइट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करके डन कर देना है। अभी आपको फिर से पेंसिल में क्लिक करना है, अभी इसमें आपको कुछ डिटेल्स ऐड करना, ताकि फोटो में तो क्लियरिटी आए, तो हम लोग क्या करेंगे डिटेल्स में आ जाएंगे। और इसके जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, इसे इंक्रीज कर देना, इसे इंक्रीज करके +20, और इसके शार्पनिंग रहेगा इसे भी इंक्रीज कर देना +25 के आसपास इसे रख देना, ठीक है। देन आपको सिंपली नीचे राइट में क्लिक करके डन दोस्तों। स्नैपशीट का काम तो हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कलर का अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसे हमको लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है, तो डाउनलोड में क्लिक कर देना, शेयर में क्लिक करके सिंपली फोटो जो है इस आपको लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है। तो लाइट रूम में क्लिक कर देना दोस्तों, तो लाइट रूम में क्लिक करने के बाद फोटो लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अभी आपको लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है, तो फोटो जो है लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, उधर आपके एक प्रीसेट फाइल का लिंक देखने को मिलेगा, सिंपल आपको उसे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस प्रीसेट फाइल को लाइट रूम ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको फोटो को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको कैन इसका सेटिंग कॉपी करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 डॉट में क्लिक कर देंगे। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपके इधर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपके इधर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉपी सेटिंग का दोस्तों, ये रहा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कॉपी सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। अभी आपको ऊपर राइट में क्लिक करके डन कर देना है, अभी आपका फोटो में आ जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करके अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पेस्ट सेटिंग में क्लिक करेंगे। तो ये रहा पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करके वो जो कलर है आपका इस फोटो में आ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो, बस एक ही क्लिक में आपका जो फोटो का कलर है वो चेंज हो गया।
तो अगर आपको करना है सिंपली ऊपर शेयर में क्लिक करके इसे सेव टू डिवाइस कर लेना है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो को पसंद है, पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।